दिल्ली चुनाव होते ही अब इंतजार हो रहा है नतीजों का। 10 फरवरी को दिल्ली के मूड के बारे में देश को पता चलेगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली को जीतना आप और भाजपा के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब सबको इंतजार है 10 फरवरी का, जब ये साफ होगा कि देश के दिल दिल्ली का क्या मूड है। दिल्ली के इन नतीजों से देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। बीजेपी को यकीनन ही अफसोस होगा कि उसने दिल्ली में चुनाव जल्द क्यों नहीं करवाए। अफसोस होगा कि किरण बेदी पर दांव क्यों आजमाया गया। अफसोस होगा कि मोदी का चेहरा लेकर क्यों वो चुनाव मैदान में नहीं उतरी। अफसोस मोदी को होगा कि पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी किस्मत के भरोसे ही क्यों बैठे रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। कांग्रेस इस मुकाबले में त्रिकोणिया बनकर रह गई है। बीजेपी की प्रतिद्वंदी हालांकि इस चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रायशुमारी के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ऐसा मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। करीब सवा साल के बीच दिल्ली में दो बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। दिसंबर 2013 में त्रिशंकु विधानसभा सामने आई थी, जब बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी और जबकि आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों में से केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसी साल बाद में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि चुनाव में बीजेपी की जीत से जहां उसका विश्वास बढ़ेगा, वहीं उसकी हार विपक्षी दलों को मजबूती प्रदान करेगी। देश के दिल यानी कि दिल्ली में सवा साल के भीतर ही दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। सबकी आंखें इस ओर लगी हैं कि इस बार क्या रूप रहेगा दिल्ली विधानसभा का। क्या इस बार भी त्रिशंकु विधानसभा या किसी एक दल को बहुमत मिलेगा? क्या दिल्ली की जनता के भाग्य में इस बार भी अस्थाई और डवाडोल सरकार लिखी है, या फिर इस बार दिल्ली को स्थायी सरकार मिलेगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा चाहे जो भी आए, लेकिन इस चुनाव के दौरान साफ तौर पर महसूस की गई एक राजनीतिक अंतर्धारा की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशानी हो सकती है। दिल्ली का जनादेश अभी आया नहीं है, इसके बावजूद भाजपा जाहिर तौर पर चिंतित है। हाल ही में आए ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि आपका पलड़ा भारी है, लेकिन निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि किसे बहुमत मिलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि भाजपा भी समझ गई है कि दिल्ली की राह आसान नहीं है। अगर भाजपा ये चुनाव हारती है तो मोदी और भाजपा के लिए एक गहरा धक्का होगा। और अब तक टीवी चैनलों पर दिल्ली के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने भाजपा की सांसें फुलाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।